घर में मैं रहती, मैं सब काम करती थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। पर कुछ ऐसा लगने लगा मुझे कि ये लेग जो है मेरी कुछ स्वेलिंग हो रही है इसमें। तब फिर मैंने अपने बेटे से को बोला कि बेटा कुछ इसमें प्रॉब्लम है। तो सुनते ही मैं एक बार तो शॉक हुई बहुत ज़्यादा। मुझे ये लगा एक बार को कि शायद लाइफ में बस अभी एंड ही आना है। जनरली पीपल एट दिस एज फील कि लेट देम गो, बस बहुत हो गया, एवरीथिंग दे हैव सीन लाइफ एंड लेट अस नॉट मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर देम। अब मैंने एक बार ये भी सोचा कि इस उम्र में अब सर्जरी करवाना तो एक बड़ा प्रॉब्लम। पर मेरे को मेरे बच्चों बेटे ने मेरे कहा कि मैंने कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। I really had to sit down with the attendants, with the patient, trying to tell them that even at this age she might do quite well, provided we can tailor the therapies according to her age, according to her general condition, and once we start with the therapy we can actually see the improvement in the condition. Minu wale se aur treatment shuru kara, chemotherapy वगैरह cycle start करवाए। कीमो आफ्टर कीमो जो इफेक्ट्स होते हैं उससे मैं घबरा गई। बाल मेरे बिल्कुल झड़ गए थे, मतलब ये था कि मैं सिर में स्कार्फ बांधती थी। मीनू जी ने मेरे को ये बताया कोई बात नहीं, ये दोबारा आ जाते हैं। इससे मुझे थोड़े को हिम्मत हुई और आज मेरे जो है ये सब इसी वजह से। So as the therapy advanced, the patient showed improvement, her general condition improved, and finally her disease responded very well to the treatment, and she was found to be in remission. मैक्स हॉस्पिटल पड़गनी है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ पर बहुत सपोर्ट मिली, बहुत अच्छा लगा है। By the time she completed her treatment, she could go back walking and doing all her usual activities. So whenever she comes walking up and above to the OPD, that is the, I mean, that gives me maximum happiness. मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर कोई भी बीमारी हो, कैंसर जैसी भी है, इससे भी बड़े, तो इंसान अपनी हिम्मत रखे और अपना इलाज ढंग से करवाए। घर वालों का सपोर्ट हो तो ठीक हो सकते हैं।